फिर गए, फिर कहते जब मिलते ही नहीं तो कहाँ से दे, कहते सख्त हैरत है तो लड़की मिलते ही नहीं तो का करी का करी। हम कहा नहीं, हमार 9 बजे के अंदर लड़की चाहे, हमका तीन ठी मेहरारू लाइनी दिखाई दी, तीन ठी दिखाई दी। हम अपने बहन से बोले, बहन जाए के देखो लड़की कहा गोलियात है। तो हमारे शंक हो गया वो कि लड़की कहा गोले, तो हमारे रिंकिया मिल गई क्या? तो गए देखे तो लहास मिली लड़की, तो हम गए तो एकदम से कपड़े उनाई रहा, ऊपर कपड़े उनाई रहा एकदम से हुई थी। लड़की तो 14 साल की लड़की है, तनी छोटी सी, वो तो शायद नहीं कर सकती। टहरत रही लड़की, कहूँ बताई दे कि लड़की खराब रही, के कतौ डोली टहरी हुई गाँव के मनई के कह दे लड़की तनी खराब रही। तब मतलब हम जानी कि हमारी लड़की खराब रही, हम लड़की का अपने खुदे कंट्रोल में करके रखत रहे। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इसमें जौनपुर जनपद के मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के गरियाव गांव के कथरीपुर बस्ती में है। यहाँ एक 14 से 15 वर्ष की किशोरी की हत्या हुई है, परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और उस किशोरी का शव जो है रेलवे ट्रैक पर छत बिछत मिला, अनिर्वस्त अवस्था में मिला। परिवार के लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पड़ोस में ननिहाल आए एक युवक ऊपर हत्या का आरोप लगा, जिसपे मुगरा बादशाह पुलिस ने मुकदमा भी पंजीकृत किया है। हम वहीं आए हैं गांव में और जिसके यहाँ घटना घटी है उसकी माता का क्या कहना है, परिवार के अन्य लोगों का क्या कहना है, गांव के लोगों का भी क्या कहना है, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। आइए, माता जी कौन है, क्या नाम है माता जी आपका? सरोजा देवी। ये कैसे घटना हुई, क्या जानकारी है आपको? साहब, मैं सोई उठी, हमारा लड़की खटिया नहीं। अच्छा। अब फिर एक बाद हम अपने बड़ी लड़की के जगाए, हम कहा कि पिंकी उठ, रिंकी कहाँ गई? हमारी बड़ी लड़की उठी, मोबाइल हेरे ना पाए तो अपने भैया का मोबाइल लिए, छोटा भाई है उसका, तो वो मोबाइल लेके फोन लगाए जिसके ऊपर शंका था। अच्छा। तो फोन लगाए, वो लड़का फोन उठाया तो बोला कि हेलो, तो लड़की बोली हेलो कहाँ है, कहाँ कि हम है, कहें हमारे रिंकी कहें हमारे पास है। तो हम कहा कि एक घंटा आधा घंटा जो है, फिर लड़की घर आपस नहीं आई, आपस नहीं आई। फिर एक बाद हम ओकर माई के पास गए तो हम कहे, तुम हमको बोले तू पागल हो, चिल्लाए बहुत जोर से साहेब चिल्लाने। हम कहे हम पागल है, तुहार बेटी खोई जाए तू पागल दिखाबू, पगले दिखाबू ना। तो फिर बोले कि कुल भाई उसको शटर खोल के निकले। तो हम बोले हम पागल है, अगर तुहार बेटी हरा जाए तू पागल दिखाब, पगले दिखाबा ना। तो कहते हैं कि तुहार लड़की गलत बाटे, गलत बाटे। फिर देखे से हमारे लड़की मोबाइल पर, पहले लड़के को मिस कॉल आया, लड़की तब फोन की। एक बाद हम गए, वो लड़के बलान अपन फोन करके, दोनों लड़के लड़की गायब थी, लड़के अपन हमारे सामने बलान साहेब, हमारे सामने बलान लड़के उनकर खेते खेते आई, खेते खेते आई। फिर हम कहा हमारे लड़की का भाई, तो कहते हैं कि वही बैठी सुखना कहे, सुखना कहे बैठी बा। फिर हम चली आए घरे ना लिया एक दिन, फिर आधा घंटा हम जो है कि फिर गए, हम कहा हमारी लड़की ऑफिस नहीं आई, तो लड़के तो ऑफिस आ गए, हमारी लड़की ऑफिस नहीं आई। तो कहते हैं कि फिर गए दोनों भाई, गए शनि गए रवि, गए रवि गए और उनका मामी हैं दूठी, दोनों मामी गए खेते खेते, और ये चारों आदमी गए हमारे सामने, हमारे सामने गए कुछ देरी में ऑफिस आन। कहते हैं रिंकी मिलत नहीं है, रिंकी मिलत नहीं है। तो हम फिर चली आए अपने घरे, फिर हमसे रह नहीं गए साहेब, फिर गए, फिर गए, फिर कहते हैं जब मिलते ही नहीं हैं तो कहाँ से दे। तब से सवेर हो गया, तब से सवेर हो गया। फिर गए हमारे बहन ही बगल में हैं, उन्हें ले आए गए, उन्हें ले आए गए। हमारी लड़की आपस कर, तो वो बोला था कि हमारी लड़की आपस कर, हम कहते हैं कहते हैं सख्त हैरत है तो लड़की मिलते ही नहीं तो का करी का करी। हम कहा नहीं, हमार 9 बजे के अंदर लड़की चाहे हमका, और नहीं देखा हम का करी। एक बाद तीन ठी मेहरारू लाइनी दिखाई दी, तीन ठी दिखाई दी। हम अपने बहन से बोले, बहन जाए के देखो लड़की कहाँ गोलियात है। तो हमारे शंक हो गया वो कि लड़की कहाँ गोले, हमारे रिंकिया मिल गई क्या? तो गए देखे तो लहास मिली लड़की, तो हम गए तो एकदम से कपड़े उनाई रहा, ऊपर कपड़े उनाई रहा एकदम से हुई थी। लड़की 14 साल की लड़की है, तनी छोटी सी,
मार के एकदम था भाई, का कर बताओ साहब। कैसे तो शंका है कि पड़ोसी लड़के के पूछेगा उका कबो परेशान उसान करता का परेशान कभी कभी फोन करे। अच्छा। कभी कभी फोन करे लड़की भी हमारे बतलात रही साहब गलती थी। हाँ हाँ। तो अभी करे बात हमारे लड़की गलत रही हमारे हवाले कह देता है। हाँ हाँ। मार डाले दुश्मन आए रही से कुल की है ना सभी अब वो दुश्मन आए सादे ना दुश्मन आए में अपना आप पड़ोसी हैं नहीं हम बहन हैं आप इनका बहन है। हाँ। अच्छा कहाँ घर है आपका असमा। अच्छा बगल में रहते हैं जोन कहा खेत जोतत रहन इनका डांट उठा के अपने घरे धैले रहन हमारा आदमी रहन तब डांटन फटकारन ट्रैक्टर निकारे तब उ दुश्मन आई अब अब साधे नहीं है लड़की के हमारे मिलाए के हमारे संगे घाट के बस यही हमारे लड़की काहे के मारन सा है बस इतना हमें नहीं हमारे लड़की मारन तो अपन लड़के मारे तब हमें संतुष्टि हो ना। अच्छा यही हमारा कहना ही बा बहन है का नाम बजे था पिंकी नाम है। अच्छा तुम्हारी छोटी बहन थी तो कभी कुछ फोन से बात करते उड़ते जानकारी होती थी तुमको ये तो हम नहीं जानते पर भाई को मेरे धमकी दिए थे दो तीन बार वो लोग। हाँ वो कल मुझको पता चला भाई धमकी दिए थे इसी धमकी दिए थे। हाँ, हाँ। तो मर्डर करने के लिए। अच्छा तो भाई डर में थोड़ा माइंडली प्रॉब्लम हो गया उसको। हाँ। तो फिर तब कल पता चले कि इसी बात रही तब वही धमकी को जैसे फोन आ रहा हम देखे फोन उठाए रात में तो फोन आ रहा कहते ही नंबर के करो तो व्हाट्सएप बनाए तुरंत देखे हैं तो यही रहा हमने मम्मी को बताया मम्मी इसी सी बात बात मम्मी गई नौकरी घर तब था कि हमें घर छोड़ दिए रहे। अच्छा तो क्या कभी घर और पे भी आता था वो लड़का जो घटना का अंजाम दिया नहीं जानते घर और नहीं आता था पड़ोस का ही ना। हाँ वही ननिहाल में रहता है। अच्छा कितने पढ़ती थी बच्ची आठ में ही साल गई थी। अच्छा गई थी नहीं आठ पास हुई। अच्छा आठ पास हो गई थी यानी 14-15 साल उम्र थी। अच्छा तो ये गरियाओं के ये जो कथरीपुर गांव है यहाँ जो बच्ची 15 साल की थी उसका शव सुबह मिला था और रेलवे ट्रैक पे मिला था। उनकी माताजी का यही कहना है कि हमारी बेटी की हत्या की गई। ये लोग कह रहे हैं कि पुरानी दुश्मनी जो है सारी गई कुछ कुछ गांव के लोग भी अगल बगल के लोग हैं थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? जी सर मेरा नाम अखिलेश है। अच्छा कैसे कब जानकारी हुई आप लोगों को? हमें तो जानकारी सुबह में हुई जब लाश देखी गई तो इसके पहले क्या मर्डर था ये नहीं पता था लेकिन यह है कि पूरा हमें यकीन है कि इन्हीं लोगों का हाथ है। अच्छा क्यों ये लोग हत्या करेंगे ऐसा क्यों करेंगे उनका मन क्या है कोई थोड़ी जानता है अगर कोई पता होता तो ऐसे होने देता। टहरत रही लड़की कहूँ बता दे कि लड़की खराब रही के कतौ डोली टहरी हुई गाँव के मन क्यों कह दे लड़की तनी खराब रही तब मतलब हम जानी कि हमारी लड़की खराब रही हम लड़की का अपने खुदे कंट्रोल में कह के रखत रहे इतना लड़की के हम सब मेहरारू आई हमारे सबके क्यों बा नहीं हम सब खुदे अपन लड़की बटोर के लेके चाची लास्ट रेलवे ट्रैक पे मिली ना। हाँ तो ऐसे ना ट्रेन से ना कर सकते हैं अब वो का हम देखे है कैसे हम देखे एक बार हमार लड़की जब लड़के दोनों सब गायब थे तो लड़के यहाँ पे आया ओकरे बाद दोनों भाई गए दोनों मामी गए एक बार ढूंढ के आई तो फिर बोले कि रिंकी मिल नहीं रही है तो हम बोले अगर रिंकी ना मिला था तो हमारे हमारी लड़की हाजिर करो तो हर लड़के जब हमारे लड़के नहीं सवेरे लाश जो है ट्रैक पे मिली रेलवे लाइन किनारे ऐसा ना होगा ट्रेन से कट गई हो मन तो नहीं कहा था हमार मन नहीं कहा था कि हमारी लड़की कट जाए इतना डरपोक बहुत डरती थी बाहर बाहर निकलती थी फिर भी कहती दीदी उठो मैं बाहर जा रही हूँ। क्या शंका है आप लोगों को पहले उसकी हत्या करके ट्रैक पर रखा गया होगा ऐसा कुछ शंका है? हाँ यही शंका है यही शंका है यही शंका है। अच्छा क्योंकि इतना डरती थी हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखिए बहन है मतलब तुमको जरा सा वो नहीं हो रहा कि खुद ऐसा करेगी वो तो शायद नहीं कर सकती तुम तो बहन रही हो उससे बात होती है इधर बहन रो रही है तो ये नहीं तुमको लगता है कि खुद नहीं मर सकती हो उसको मारा ही गया है उसको मारा ही गया। अच्छा बताते कपड़ा उपड़ा भी नहीं था उसके शरीर में कुछ नहीं था लहास मिली उसके
देखिए क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं घट जा रही हैं कि एक सीधी साधी लड़की रात में गायब होती है, सुबह उसकी ट्रैक पे लाश मिलती है, अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलती है। अब सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि कोई सुसाइड भी करेगा तो कपड़े निकाल के सुसाइड तो करेगा ही नहीं। कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं उसमें सच्चाई भी है कि उसके साथ घटना को अंजाम देकर ट्रैक पे लिटाया गया होगा। फिलहाल पुलिस अब इस तो मामले को जांच करेगी, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है, अब पुलिस जांच करेगी, पुलिस की जांच में ही खुलासा हो पाएगा कि इसमें और क्या हो सकता है। कुछ और लोग हैं जो है थोड़ा सा जो है हम बात करेंगे जो है। आइए आइए, क्या नाम है अच्छा? हमारा यहाँ गांव नहीं। हाँ हाँ, रिश्तेदारी आए हैं। हाँ, ऐसी घटना हो जा रही, कैसा लगता है? अब हमको तो क्या लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे क्या हो। हम गांव वाले उससे पूछ ही बताएं। अच्छा, इस तरह क्राइम हो जा रहा है, डर नहीं लगता लोगों को इस तरह घर से सो? हाँ तो डर तो लगता है, मगर वो फोन करके बुलाए होंगे तो गई नहीं, उसे जाती नहीं। क्या माता जी? वैसे वो नहु को हो तब सही बा। अच्छा हाँ, आज वहाँ रान के लड़कियों के संगे किए हैं, भाई बाप होते तो हुक बदला लेते नहीं। अच्छा, देखिए लोगों में नाराजगी है, बगल की महिलाएं हैं ये नाराज हैं, इनका कहना है कि जानबूझ के हत्या की गई है, दुश्मनी साधा गया है। फिलहाल ये मामला अब तो पुलिस जांच ही करेगी, पुलिस जांच करेगी, पुलिस की जांच में खुलासा भी हो जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है पुलिस को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर हत्या हुई है कि आत्महत्या है कि हत्या के पहले कोई घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये सोचने भी लोगों को मजबूर कर रहा है। जहां योगी सरकार इतनी सख्त है उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं आए दिन घट जा रही हैं। इसी तरह की ये घटना जौनपुर जनपद के मुगराबाद शाहपुर के कथरीपुर गांव में जहां एक किशोरी की हत्या हुई है, परिवार के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, परिवार के लोग पड़ोसी के एक युवक पर जो कि ननिहाल में रह रहा था उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस घटना पे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इस घटना में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।